सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते हैं, फालतू वगैरह पहनते हैं, उतारने का बात कर रही है। ये सब करो, फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय। लेकिन सम्राट चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं और उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या रहा है वो हम यहाँ नहीं बताना चाहते आपके। सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जब जहाँ चेयर पे थे, व्याकुल मत होइए, खूब जोरी है आप लोगों का, कमाल का। ये मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। सम्राट चौधरी जी पगड़ी पहनते हैं, फालतू वगैरह पहनते हैं, उतारने का बात कर रही है। ये सब करो, फिल्म का शूटिंग चल रहा है महोदय। अब बांध लिए पगड़ी, चलो आओ मैदान में, आप खोलिएगा। अरे हम कोई गलत बात नहीं है, सुन लो यार, नवीन जी सुनिए ना, पथ निर्माण मिल जाए बहुत कृपा होगी, आप आगे काम कीजिएगा, बैठिए ना। बढ़ जाइए, बोलने दीजिए। तो उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए, बैठिए आप लोग शांति से, बैठिए आपके, आप जब बोलिएगा इधर से नहीं कोई बोलेगा, आप शांति से बनाए रखिए। हमें विश्वास है कि हमारे एक और चाचा विजेंद्र जी बैठे हैं यहाँ, हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर सलाह दी होगी सम्राट चौधरी जी को, पगड़ी उतार लो। दिए कि नहीं दिए? आप तो हमको सलाह देते थे, हमको पता है आपके मन में भी पीड़ा है, दर्द है, लेकिन आप एकदम अपने नेता के साथ जो निर्णय है उसी में लेते हैं। लेकिन नेता तो निर्णय लेते हैं, साथ देना चाहिए, लेकिन कभी कोई सलाह और एक स्टैंड भी लेना चाहिए कि कोई गलत निर्णय ना हो, इससे नेता का ही नुकसान होता, इससे नेता का ही नुकसान होगा। तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी। अभी सम्राट चौधरी जी क्या क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहे हैं और उनका शब्द मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या रहा है वो हम यहाँ नहीं बताना चाहते। आपके भी दिल में है, आपके भी कान में है, आप लोगों के भी होश में है, और पूरा बिहार बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि हम कोई ऐसा दो, सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लो भाई, किसी भी बिहार में बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे, फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो, बताइए मोदी जी के गारंटी वालों, बताओ बताइए, पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी? खैर हमको इसकी चिंता नहीं है। विजय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी जब जहां चेयर पे थे, व्याकुल मत होइए, खूब जोरी है आप लोगों का, कमाल का, लगे रहिए। लेकिन आप लोग तो क्या क्या बोलते थे, अब उस पर तो आपको बताने का जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि बतवा क्या दोबारा तिवारा जो है रटा जाए, कहा जाए, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, कम से कम एक बार बता तो देते कि हम नहीं रहना चाहते यार, इस बार तो आपने कुछ कहा भी नहीं। अरे भाई हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ा दल हमारा है, कम से कम एक बार बुला के बोल देना चाहिए, कोनो आपको हम कुछ कहते हैं, आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे। लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं। पनोरमा ग्रुप
जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।